बंधन करने के संबंध में ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के जो मुखिया हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राहुल गांधी, वह संरक्षक श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये दोनों चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि बीएसपी का और कांग्रेस पार्टी का जो देश में लोकसभा चुनाव होने से पहले कुछ राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होना चाहिए और फिर इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी। ये दोनों दिल से चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में, लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश स्टेट के मुख्यमंत्री रहे श्री दिग्विजय सिंह जैसे अनेकों और कुछ ऐसे निजी स्वार्थी नेता हैं जो केंद्र में बीजेपी की सरकार की सीबीआई व ईडी आदि की जांच एजेंसियों के डर से घबराकर वे कुछ राज्यों में होने वाले आम चुनाव में व इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में भी किसी भी कीमत पर कांग्रेस व बीएसपी का चुनावी समझौता नहीं होने देना चाहते हैं। और खासकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जैसे लोग तो ये चुनावी समझौता कतई भी होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ में बीजेपी केंद्र सरकार की सीबीआई व ईडी आदि की जांच एजेंसियों के डर से घबराकर अपनी खुद की पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी की गोवा में सरकार तक भी नहीं बनने दी थी, जबकि ये पार्टी संख्या के हिसाब से वहाँ बड़ी पार्टी थी, ये बात भी जग जाहिर है। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने वे आश्चर्य की बात ये भी है कि कांग्रेस पार्टी का ये निजी स्वार्थी वरिष्ठ नेता, वैसे तो और भी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी का ये निजी स्वार्थी वरिष्ठ नेता जो बीजेपी का जबरदस्त एजेंट भी है, आज वह एक टीवी चैनल में अपने इंटरव्यू के दौरान अपनी पार्टी का बीएसपी के साथ किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं होने देने को लेकर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेकर ये बयान दे रहा है या देता है कि मायावती जी पर केंद्र सरकार का बहुत बड़ा दबाव है और वह इनको सीबीआई व ईडी आदि का डर दिखाकर बीएसपी व कांग्रेस पार्टी का किसी भी कीमत पर ये चुनावी गठबंधन नहीं होने देना चाहती है। यह आज उन्होंने एक टीवी चैनल में अपने इंटरव्यू में कहा, जो पूरे तौर से असत्य, निराधार व तथ्यहीन है, जबकि वास्तव में सही बात तो यह है कि इनकी कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन की आड़ में बीएसपी को ही खत्म करना चाहती है।